और ये सिद्धार्थ नगर की माटी भी है, ना जाने कितने साहित्यकार यहाँ पर अपने साहित्य से एक लोहा मनवाने का काम कर रहे हैं पूरे देश में। एक बहुत कम समय में चिलिहा के सरजमी से एक ऐसे हमारे शिष्य हैं रुडेश विश्वकर्मा जी, जो निरंतर सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया का भरपूर लाभ भी उठा रहे हैं, और मैं उन्हें चाहता हूं कि जो देश के प्रति जो उनकी रचनाएं आज के समय में चारों ओर लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करने का काम कर रही हैं, मैं उन्हें अपने ही कुछ मिसरों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि इसको जो ओज का नेतृत्व करते हुए वह अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें कि देश की मिट्टी से निकला गान वंदे मातरम, देश की मिट्टी से निकला गान वंदे मातरम, जान मेरी देश पर कुर्बान वंदे मातरम, ऐ जवानों थाम कर आगे बढ़ो तीरों कमान, व्यर्थ ना जाए कोई बलिदान वंदे मातरम। कवि अरुणेश विश्वकर्मा जी, इसी के साथ मैं आपको मंच पर आवाज देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित कविगण, कावित्री, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। उपस्थित जनता जनार्दन को सत सत बार प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियों से अपना परिचय और अपने जनपद का गौरव पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हेलो, स्वागत है भाई। हेलो, जिन चार पंक्तियों ने मुझ नाचीज को जनपद में एक अलग पहचान मिला, मैं उन्हीं पंक्तियों को आपके समक्ष रखता हूँ। और हर जनपद स्थापना दिवस के दिन अपने जनपद के लिए कुछ नया लिखने का अवसर हमें मिलता है, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कुछ नया लिखूं, और लिखता भी हूं आप सभी के आशीर्वाद से। सुनिएगा, कहता हूं कि मैं अपने वतन का स्वाभिमान सर पर लहराए आया हूं, मैं अपने वतन का स्वाभिमान सर पर लहराए आया हूं, हर महफिल से जो प्यार मिला वो प्यार लुटाने आया हूं, हर महफिल से जो प्यार मिला वो प्यार लुटाने आया हूं। और तीसरी पंक्ति में मेरा परिचय, मेरे जनपद का परिचय, साहब मैं अपने वतन का स्वाभिमान सर पर लहराए आया हूं, हर महफिल से जो प्यार मिला वो प्यार लुटाने आया हूं, कुछ चावल की खुशबू लेकर गौतम भूमि से लाया हूं, ये मेरा परिचय। कुछ चावल की खुशबू लेकर गौतम भूमि से लाया हूं, मैं अपने जनपद का प्यारा सिद्धार्थ नगर से आया हूं, मैं अपने जनपद का प्यारा सिद्धार्थ नगर से आया हूं। और जो कुछ नई रचना लिखे हैं उसे भी आपके समक्ष रखते हैं। स्वागत कि मातृभूमि पर आंच न आए लिए हाथ में ढाल हैं हम, क्या बात, मातृभूमि पर आंच न आए लिए हाथ में ढाल हैं हम, तपो भूमि है जनपद मेरा खुद में एक मिसाल है हम, वाह, मातृभूमि पर आंच न आए लिए हाथ में ढाल है हम, तपो भूमि है जनपद मेरा खुद में एक मिसाल है हम, और काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है, वाह, मातृभूमि पर आंच न आए लिए हाथ में ढाल है हम, तपो भूमि है जनपद मेरा खुद में एक मिसाल है हम, काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है, छाती चौड़ी कर कहते सिद्धार्थ नगर के लाल है हम, छाती चौड़ी कर कहते सिद्धार्थ नगर के लाल हैं हम। और हर मंच पे अगर मैं अपनी रचनाओं को पढ़ता हूँ तो सबसे पहले सम्मान देता हूँ माँ को, नारी को, उसके बाद ही किसी अन्य रचना को पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि चोट हमें लग जाए, नियाज भैया
चोट हमें लग जाए फिर वो चीख चीख कर रोती है, चोट हमें लग जाए फिर वो चीख चीख कर रोती है, खुद भूखी रह जाती है फिर आंसू पी कर सोती है। चोट हमें लग जाए फिर वो चीख चीख कर रोती है, खुद भूखी रह जाती है फिर आंसू पी कर सोती है। उसके कर्मों का मैं कोई मोल चुका ना पाऊंगा, माँ से प्यारी इस दुनिया में केवल माँ ही होती है, माँ से प्यारी इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। और मैं पुनः उन समस्त माताओं को प्रणाम करते हुए पंक्तियां समर्पित करता हूं कि दुआओं से तेरी बढ़कर दुआओं से तेरी बढ़कर दवाई हो नहीं सकती, तेरी ममता से मीठी माँ मिठाई हो नहीं सकती, तेरी ममता से मीठी माँ मिठाई हो नहीं सकती। और सुनिएगा साहब की धीरे धीरे इस जनपद ने जो मुझे एक नाम दिया है अनंत का, मेरा प्रयास रहता है कि हर रस में लिखने का प्रयास है, आपको वियोग से लेके संयोग और संयोग से लेके हास तक जोड़ने का प्रयास करता हूँ बहुत कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में। सुनिएगा भैया, बहुत बदली है ये दुनिया, बहुत बदली है ये दुनिया, मेरी माँ पर नहीं बदली। क्या बात, बहुत बदली है ये दुनिया, मेरी माँ पर नहीं बदली। शहर तो हम चले आए मगर माँ घर नहीं बदली, जहाँ पंछी गले मिलने सुबह और शाम आते हैं, जहाँ पंछी गले मिलने बहुत शानदार सुबह और शाम आते हैं। कहता हूँ साहब, एक तजुर्बा रखता हूँ कि बने रिश्ता जो पैसों से उन्हें तुम खास मत करना। वाह, बने रिश्ता जो पैसों से उन्हें तुम खास मत करना, महफिल है रईसों की वक्त बर्बाद मत करना। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बने रिश्ता जो पैसों से उन्हें तुम खास मत करना, महफिल है रईसों की वक्त बर्बाद मत करना, जो हमसे हैं जुड़े रिश्ते गुजारिश है मेरी उनसे, जो हमसे हैं जुड़े रिश्ते गुजारिश है मेरी उनसे, मेरा दिल टूट जाए वो कभी किरदार मत करना। क्या बात, मेरा दिल टूट जाए वो कभी किरदार मत करना। और हमारे बीच कुछ माता शक्तियां मौजूद हैं, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं आप सभी के लिए। स्वागत, कहता हूं कि बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती। क्या बात, बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती हैं, अगर हो देश पर संकट तो भाव से पार करती। वाह, बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती हैं, अगर हो देश पर संकट तो भाव से पार करती हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में है बिटिया, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में है बिटिया, ये दो कुल के बगीचे को सदा गुलजार करती हैं, ये दो कुल के बगीचे को सदा गुलजार करती हैं। और आज के हालात को देखते हुए चार पंक्तियां कुछ नया आपके बीच रखता हूं, कहता हूं कि रखो पर्दे में तुम खुद को, रखो रखो पर्दे में तुम खुद को, सरल सबसे करो व्यवहार, रखो पर्दे में तुम खुद को, सरल सबसे करो व्यवहार, हाँ तुम पे नाज करता है मेरी बहना तेरा परिवार। क्या बात, वाह, हाँ तुम पे नाज करता है मेरी बहना तेरा परिवार, और जगत की हो तुम्ही जननी तुम्हें सी है जगत रोशन। वाह, जगत की हो तुम्ही जननी तुम्ही से है जगत रोशन,
पिता का ना झुके मस्तक यही कर दो जरा उपकार, पिता का ना झुके मस्तक यही कर दो जरा उपकार। और कुछ युवा साथी बैठे हैं, हमारी उम्र के कम ही बैठे भैया, आप लोग उम्र के बहुत ज्यादा बैठे हैं। सुनिएगा भैया, अगर हमसे प्रेम की पंक्तियों को सुनने की इच्छा है तो उसको भैया दिमाग से निकाल दीजिए। सुनिएगा भैया, कहता हूं कि अगर आप अपने उम्र से जब से इश्क करना शुरू किए होंगे, आपको क्या मिला मैं दो पंक्तियों में उसे बताता हूं। गंगा प्रसाद पांडे जी ने कहा है कि भाषा है इस पार जगत के और भाव उस पार गजल का, जिसने पिया प्रेम का अमृत वही है हकदार गजल का। तो बगैर प्रेम किए तो फिर शायरी हो नहीं सकती। पढ़िए अरुणेश जी। कहता हूं कि क्या पता था इश्क करके ये पता हो जाएगा। आपके 8 साल की कमाई दो पंक्ति में समेटता हूं, सुनिएगा। क्या पता था इश्क करके ये पता हो जाएगा, क्या पता था इश्क करके ये पता हो जाएगा, था पता जिसका सही वो लापता हो जाएगा। क्या बात, था पता जिसका सही वो लापता हो जाएगा। और सुनिए, अभी हाल में ही एक मेरे साथ हादसा गुजरा है, उसी पे कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास करता हूँ कि यही तुम चाहती हो कि दोबारा फेल हो जाऊं, यही तुम चाहती हो कि दोबारा फेल हो जाऊं, यही तुम चाहती हो कि दोबारा फेल हो जाऊं, पिताजी पीट दें फिर से मैं सूखा बेल हो जाऊं, यही तुम चाहती हो कि दोबारा फेल हो जाऊं, पिताजी पीट दें फिर से मैं सूखा बेल हो जाऊं, चली आती हो तुम हर शाम छत पर मोरनी बनकर, चली आती हो तुम हर शाम छत पर मोरनी बनकर, तुम्हारे इश्क के चक्कर में सरसों तेल हो जाऊं। अच्छा है। तुम्हारे इश्क के चक्कर में सरसों तेल हो जाऊं। और नौजवानों के लिए जरूरी क्या है ये भी बताता हूं साहब, सुनिएगा कि नौजवानों को जरा होशियार होना चाहिए। अच्छा। नौजवानों को जरा होशियार होना चाहिए, वक्त आने पर नहीं गद्दार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नौजवानों को जरा होशियार होना चाहिए, वक्त आने पर नहीं गद्दार होना चाहिए। और माता पिता की आंखों में है बहुत उम्मीद तुमसे, माता पिता की आंखों में है बहुत उम्मीद तुमसे, वो अधूरा स्वप्न अब साकार होना चाहिए, वो अधूरा स्वप्न अब साकार होना चाहिए। और एक जिंदगी से जुड़ा और अपनी आखिरी तमन्ना कहकर अपना स्थान लेता हूं जी। सुनेगा साहब की वक्त ने वक्त पर है सिखाया बहुत। मेरा मानना है कि ये मुक्तक आपके जिंदगी से जुड़ा होगा साहब। वक्त ने वक्त पर है सिखाया बहुत, पर जरूरत ने हमको झुकाया बहुत। क्या बात। वक्त ने वक्त पर है सिखाया बहुत, पर जरूरत ने हमको झुकाया बहुत, और प्यास जब भी लगी खुल के रोए हैं हम। क्या बात है। वक्त ने वक्त पर है सिखाया बहुत, पर जरूरत ने हमको झुकाया बहुत, प्यास जब भी लगी खुल के रोए हैं हम। हमने होठों को आंसू पिलाया बहुत, हमने होठों को आंसू पिलाया बहुत। और दो पंक्तियों से आप सभी से अलविदा कहता हूँ। मेरी आखिरी तमन्ना, अगर उस आखिरी बारात में अगर कोई मौजूद रहेगा तो इस आखिरी तमन्ना को पूरा कीजिएगा। कहता हूँ कि जब जुदा हो जाऊँ तुमसे,
जब जुदा हो जाऊं तुमसे, जब जुदा हो जाऊं तुमसे, बस यही करना करम। जब जुदा हो जाऊं तुमसे, बस यही करना करम। खून से मेरे बदन पर लिखना वंदे मातरम, खून से मेरे बदन पर लिखना वंदे मातरम। और मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय। धन्यवाद।